इस वक्त हम जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर है और यहाँ पर स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स द्वारा ये रोड जो है पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि यहाँ से गाड़ियाँ निकाली जाए। अभी पिछले 15-20 मिनट की बात की जाए तो तब से ही ये पूरा रोड जो है वो बंद किया गया है और GAD की तरफ से एक अगर बात की जाए तो एक नया नोटिस यानी कि नया ऑर्डर जो है वो जारी किया है, जिसको देखते हुए जो PAG करने वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनमें ये रोष देखने को मिल रहा है। जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो उसकी तरफ रुख करने वाले हैं, जिन्होंने आने वाले समय PAG करनी है, वो भी सड़कों पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और फिलहाल पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन स्टूडेंट्स को, इन स्कॉलर्स को समझाया जाए, ये रोड खाली करवाया जाए। लेकिन स्टूडेंट्स साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरह का ऑर्डर ये सामने आया है, कहीं ना कहीं हमारे साथ खिलवाड़ है, हमारे आने वाले भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर ये जितने भी हैं, मैम आप ये जम्मू यूनिवर्सिटी से हैं, कोई बात नहीं, क्या बात है, क्यों आज आप सड़कों पर हैं? देखिए इस एडमिनिस्ट्रेशन कह रही हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन ओके नो प्रॉब्लम, अगर जिन्होंने फैसला लिया वो तो हमारे हक में ही होगा, अगर हमें वो लेके जा रहे हैं कहीं पे हम देखेंगे अगर ठीक होगा, नहीं तो इन्हीं सड़कों पे लड़ाई लड़ी जाएगी और आप मीडिया के समर्थन के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या बात है, आज आप सड़कों पर क्या हो गया? देखो कल एक आदेश आता है, सरकारी आदेश आता है, जिसमें ये कह दिया जाता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब रिटर्न एंट्रेंस देना पड़ेगा, जिसका 75% मार्क्स होंगे और जो आपकी PhD की डिग्री है, MPhil की डिग्री है, आपकी रिसर्च के लिए ऑर्डर है, ये PhD करने वालों के लिए, सबके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर रखने के लिए उनने एलिजिबिलिटी दी। वो जो मिनट्स थे मीटिंग के, जो GAD की मिनट्स थे मीटिंग के, वो कल पब्लिक डोमेन में आए। उसके बाद ये अच्छा है कि आप खुद देख लो रिसर्च के आज क्या होता है, आप PhD करते करते 5-5, 7-7 साल लोगों को लग जाते हैं, उसने साथ में MPhil भी किया तो 10 साल लग गए, उसने कहीं पे रिसर्च पब्लिकेशन किए तो 1-1, 2-2 साल लग जाते हैं पेपर पब्लिश होने में। और उसके बाद ये भी देख लो कि बाकी अगर वो जाके टीचिंग कहीं पे कर रहा है, 1-1 साल का 1-1 या 2-2 पॉइंट मिलता था, वो सारा इन्होंने समेट के 10 पॉइंट में रख दिया है, जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। किस चीज का इंटरेस्ट है जो हमने UGC का नेट, अभी क्या फर्क पड़ जाएगा ये ऑर्डर जो इन्होंने इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो हो भी चुका ऑर्डर आ चुका है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ऑब्वियसली फर्क तो पड़ेगा, ये जो लोग बैठे हुए इनकी जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ हो गया ना। आप वापस कौन सा एंट्रेंस ले रहे हो, जो UGC का नेट क्वालिफाई किया था वो क्या था, जो जम्मू कश्मीर सेट क्वालिफाई किया था वो क्या था, उसके बाद जो GRF क्वालिफाई और PhD का एंट्रेंस क्वालिफाई किया था वो क्या था? आज हम वापस इनके ये आदेश देंगे वहां बैठे हुए जो ये ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, दरबारी लोग जो है, ये इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए डाइवर्जन का और यहाँ जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं इनके करियर के साथ खेलने की ये बात। इस ऑर्डर का या इस चीज को लेकर कहीं आपको भनक थी कि ऐसा कुछ होने वाला है अचानक ही? नहीं, किसी को भी भनक नहीं थी, किसी को भी भनक नहीं थी। और ये क्यों आए, आए दिन जो है क्राइटेरिया को चेंज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को ही रिग्रेस उस क्राइटेरिया पे करते हैं। 1 साल पहले रिक्रूटमेंट निकली, रिक्रूटमेंट में जो क्राइटेरिया इन्होंने खुद फिक्स किए उसी क्राइटेरिया को कल वायलेट कर गए, कल एक किया गया तो सारी रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी इन्होंने। हाँ, हम चार्ट लिस्ट हुए थे और चार्ट लिस्ट के बाद में सारा कुछ कैंसिल कर दिया। अभी क्या डिमांड है, जो ये ऑर्डर दिया गया, डिमांड है ये जो दरबारी जो कानून इन्होंने हम पे थोपा, अमेंडमेंट नया कर लिया, इसको तुरंत वापस लिया जाए, अदरवाइज ये और भी उग्र आंदोलन हो सकता है। साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस भी है, इनको हटाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि स्टूडेंट्स द्वारा स्कॉलर्स भी हैं और यही कहा जा रहा है कि ये GAD की तरफ से जो नया ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया गया है, कहीं ना कहीं ये जितने भी स्टूडेंट हैं इनके साथ नाइंसाफी है, फिर से किस तरह का एंट्रेंस देना है, फिर से क्यों हमें, क्योंकि पहले जो बाकी एंट्रेंस देखकर हम यहाँ तक पहुँचते हैं, PhD करने के लिए हमें सालों लग जाते हैं और अब आकर फिर से इस तरह की जो ऑर्डर अगर इम्प्लीमेंट करते हैं सरकार की तरफ से, जो कहीं ना कहीं नाइंसाफी और यहाँ पर धक्का मुक्की जो है वो भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर हो रही है। हटाने की कोशिश पुरजोर है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हटने का नाम नहीं ले रहे। उनका यही कहना है कि ये ऑर्डर हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी आने वाली यूनिवर्सिटी का इशू नहीं है, LG एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश से आया और हम इसके खिलाफ सड़कों पे लड़ेंगे। अगर हम सड़कों पे नहीं लड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे प्रोफेसर ने पूछा नहीं गया और कहते हैं इंडस्ट्री का मसला नहीं है।